आई होप आई एम विजिबल नाउ। आई मीन हाय मोंटी, या आई थिंक दिस इज बेटर नाउ। आई थिंक आई हैव रीजॉइंड इन एंड बिकॉज ऑफ नेटवर्क। सो ओके नाउ वी आर हियर विद डीजे जीटू। यस मोंटी, दिस इज बेटर आई थिंक। या थैंक यू पवनीत। एंड why is G2 not joining in? Yeah. Thank you. I know there was a lot of network problem. G2 ji ekdam perfect dikh rahe. G2, you're going back. Yeah, just be there. Yeah. Is it? Okay, G2, please come online. You're not online, you're not visible. I can't send you an invite. Sagar ji, main badhiya hoon, aap kaise ho? I think there is some kind of a connection error tonight. G2 is not. Are we connected? Yep. Hi, Kiran. Are we connected? Yes. I can't see you. Yes, Ron. Now I can hear you. I can see you. I can't see you. I can hear you, but I can't see you. Anyway, please, thank you very much, SPI Jan. I think that you are going to be able to see me. I can't see you, but I think you can be there. Hi. Okay, so let's start up with this session. If everyone knows Jeet, there is a lot of messages around or someone is typing. हेलो यस रोम। या आपके वहां से कुछ भी मुझे एक बीच में फ्रीक्वेंसी की आवाज आ रही है? ना, आई कैन हियर यू प्रॉपरली। मुझे आपकी पूरी आवाज आ रही है। ओके फाइन। तो जीटू, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस सेशन बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग नाउ। सो पहले तो ये जानना था कितने साल हो गए हैं और क्या है ये रोहन, सबसे पहले क्या करते हो, कैसे करते हो? या यस रोहन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनिशिएटिव। ये आपने बहुत ही, आपने पहले एक लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल किया था और ये आई गेस उसका सेकंड चैप्टर है, राइट? राइट। या एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गेस्टर। एंड जो लोग अभी ऑनलाइन आए, हम सबको देख रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। जी हाँ जीतू, तो सबसे पहले एक जो सवाल आई थिंक बहुत लोगों ने आपको पूछा होगा जब भी आपके इंटरव्यू हुए, बिकॉज आई वांटेड टू नो कितना टाइम हो गया।
as a DJ. Yes, Ron. It's been 20 years. 20 साल हो गए. 20. Yes. 20 साल हो गए. 20 long years. Okay. Yeah. Monty's in to take Okay, thank you, Monty. But 20 years as a DJ. So, मैं अगर गलत नहीं हूँ. I think Jitu, there's a request to you. I think आपके बाजू में कोई और दूसरा फोन है जिसमें बहुत loud noise है, which is reflecting over here. अच्छा, एक मिनट चेक करो. दूसरा कोई फोन है क्या आपके आसपास जो बहुत reflect कर रहा है? Yes. Now अब कैसे? Yeah, it is better. Thank you. So 20 years. So I think 1999 you started off? Yes, 2001. Okay. But 20 years back, I remember when we were working, when we were in college together and we were working on a lot of things. The struggle, I think hum dono ki almost saath mein shuruaat ho chuki thi. Right. Us waqt DJ banna kyun dimag mein aaya? Matlab kahan se dimag mein? ये ऐसा बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था. मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कंप्लीट किया था एंड उसके साथ साथ आई वाज वर्किंग विद आईसीआईसीआई बैंक फॉर कार लोन्स. तो अच्छा, यू आर वर्किंग विद द बैंक एज अ कार लोन ऑफिसर? यस. एंड आई वाज फैंटास्टिक, वेरी गुड. आई वाज वेरी गुड एट मार्केटिंग. वावी मुझे बेस्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के अवार्ड्स वगैरह मिले थे. तो उसके बाद एक थैंक यू उसके बाद एक वेडिंग में दिल्ली गए मेरे ब्रदर की. तो वहाँ एक मेरे बड़े भाई, वहाँ मेरे बड़े भाई है, पाजी है मेरे, वीर जी है मेरे. तो उनके साथ में था और मेरे कजिन भाई का वेडिंग था. तो वहाँ एक डीजे ही वॉज प्लेइंग. तो मुझे लगा कि मैं जाके उसके मिक्सर के साथ में उसके कुछ थोड़ा हेल्प करूं या कुछ करूं. वहां गया मैं एंड मैंने साथ में कुछ दो तीन ट्रैक्स प्ले किए. मुझे आई वाज अवेयर ऑफ दिस मिक्सर एंड एवरीथिंग बिकॉज मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया था. तो ये सब चीजें देखी थी मैंने पहले जी. तो जब मेरे बड़े भाई ने वो देखा मुझे सब करते हुए, तो सब शादी से फ्री होने के बाद उनका फर्स्ट मुझे यही वर्ड था कि जी तू बस अभी तू डीजे. अच्छा, मतलब आई थिंक जहां पे उनकी शादी की जो शुरुआत थी एक डिफरेंट लाइफ की, आपके लिए भी एक डिफरेंट प्रोफेशन आ रहा था. एग्जैक्टली. और सो जब मैं दिल्ली गया वहां ऐसा कुछ सोच के नहीं गया था, कुछ नहीं गया था मैं. जब दिल्ली था मैं तो ऐसा कुछ सोच के नहीं गया था कि कुछ होगा कुछ ये, बस मैं तो छुट्टी में गया था वहां पे जी. एंड वहां से जब आया तो लाइफ वाज कंप्लीटली डिफरेंट. सो यू वेंट टू दिल्ली एज G2 एंड यू केम बैक एज G2. यस. बट गुड. अच्छा हुआ आप दिल्ली गए G2, क्योंकि फिर नासिक को हमें एक अच्छा डीजे आज की दौर के लिए हमें मिल चुका है. सो वी ऑलवेज क्रेव फॉर G2 टू कम एंड प्ले फॉर अ फंक्शन. थैंक यू, माय प्लेजर. सभी को कहना चाहूंगा जो भी ऑनलाइन है और जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं और जो लोग IGTV बाद में देखने वाले हैं, मी एंड G2 हैव प्लेड इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टुगेदर. एंड हमारा एक इवेंट बहुत ही, जहां पे हमने सबसे ज्यादा मजे किए थे, वो था बैंकॉक फुकेट. यस फुकेट, राइट. फुकेट लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक वी वर इन फुकेट बिफोर दिस पेंडेमिक से पहले. सो G2, नाउ टेल मी, इट्स बीन 20 इयर्स एंड आप कंप्लीटली G2 से आप ICICI बैंक में थे. यू बिकेम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर. देन यू डिडंट वांट टू बी अ डीजे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था. फिर भी इस प्रोफेशन में आप आए हो. पर आई थिंक नासिक जैसे छोटे शहर में जो 20 साल पहले हम लोग ने देखा हुआ है, इट वुड बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर यू बिकॉज यू नो एज इट इज सेड, आज अगर कोई देखता है तो बोलता है हाँ यार ये तो
डीजे को बुला दो, डीजे को, इट्स यू नो इट्स टेकन वेरी लाइटली, इट्स नॉट टेकिंग सीरियस. सो ये स्ट्रगल पीरियड कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल एज फार एज आई नो आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया ये जानना बहुत जरूरी. माय फैमिली वाज ओके, मेरी फैमिली को मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, दे वो मेरे डिसीजन पे मेरे पूरे साथ थे. और बहुत बड़ा स्ट्रगल था जब स्टार्ट किया, कुछ नहीं आता था, जीरो से स्टार्ट किया, सीखा, देन फील्ड में गए, काफी गलतियां हुई, क्या क्या नहीं हुआ यार, कुछ मतलब इतने साल इतने इतने इवेंट्स, बहुत बहुत स्ट्रगल हुआ. एंड बस उसके बाद फिर बढ़ते गए, नई नई चीजें सीखते गए, नए नए ये होते रहे. एंड जब हमने स्टार्ट किया तब नासिक में एज अ डीजे दो तीन नाम थे, एक मोंटी पाजी थे और एक एंथनी थे. जी मोंटी पाजी, लव यू. तो वी ऑल लव यू मोंटी. तो बिफोर बीइंग अ डीजे मेरे घर ऐसा माहौल था कि हम यू नो 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते थे, मतलब 8 बजे मुझे घर पे होना पड़ता था. तो कभी ऐसे कुछ पार्टीज अटेंड नहीं की थी, कुछ नहीं की थी, बट जितनी भी इवेंट्स में जा भी जाते थे मोंटी बाजी को देखते थे एंड सोचते थे कि वाओ यार क्या है ये बंदा. एंड वहां उनको एडमायर करने से अभी जब कोई इवेंट होता है हमारा साउंड सिस्टम के जो ग्रुप्स है उनका, तो एज अ इनवाइटी उनके साथ बैठना ये बहुत बड़ा ऑनर होता है. और लाइक हमें लगता है कि हाँ ये एक अचीवमेंट हुई है कि जिनको हम देखते थे ये रहे और आज उनके साथ बैठे हैं. एंड उनका बहुत प्यार बहुत सपोर्ट मिलता है हमेशा. एंड जर्नी बड़ी मजेदार थी. जब स्टार्ट किया तब नासिक में कुछ भी नहीं हुआ करता था, एकदम ब्लैंक था नासिक. हमारे जो स्पीकर थे वो भी यहाँ रिपेयर नहीं होते थे, तो उसके लिए भी और हम नए थे, कुछ पता नहीं होता था. जैसे स्पीकर को कुछ होता, स्पीकर जल गया, स्पीकर शॉर्ट हो गया, उसे खोलना, सुबह लोकल ट्रेन में बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से रिपेयर करके शाम को वो लेके वापस लोकल से नासिक आना है, सुबह उठ के फिर वो सब स्पीकर्स में फिट करना है, कैबिनेट्स में स्पीकर फिट करने है, और इवनिंग में फिर से शोज पे जाना है. तो और इतना साथ भी नहीं होता था उस टाइम पे, जो कुछ फ्रेंड्स थे कुछ भाई थे वो साथ थे. और बस ऐसे बढ़ते बढ़ते सीखते सीखते आज यहाँ पे है. तो मजेदार था, काफी कुछ सीखा, काफी कुछ. जब स्टार्ट किया पेरेंट्स का तो पूरा सपोर्ट था, बट यू नो सोसाइटी और आज सब लोग जो होते हैं वो बोल रहे हैं ये क्या काम चालू कर लिया यार, शादियों में डब्बे बजाने चले जाते हैं. बट देन हमारे शोज के आर्टिकल्स आने लगे टाइम्स ऑफ इंडिया में, हमारे फोटोग्राफ्स आने लगे. एक इंटरव्यू तो मेरा मोंटी बाजी का सातवें आया था उस टाइम पे, एट वेरी स्टार्ट टाइम. तो हमारे साथ में फोटोज आए, हमारे आर्टिकल्स आए, हमारे शो के बारे में छपने लग गया. देन एक इंटरनेशनल इवेंट किया, तब वो लोग पूछने लगे कि भाई तुम एग्जैक्टली करते क्या हो अभी बताओ. तो तब वो लोगों ने माना कि ये हाँ ये कुछ कर रहे हैं. तो ऐसा रहा सब. सो कैन यू जस्ट टेल मी जो स्टार्टिंग का इनिशियल जो आपका फेस था, बिकॉज जैसे कहा गया है कि जो हमारा टाइटल इटसेल्फ बोलता है कि इट्स माय स्टोरी. सो आपका ये जो जर्नी रहा है पूरा, you know it has taken 20 years aur aaj bhi hum kehte hain ki hum log kahin pe pahunche nahi, we still have to work very hard, you know, because we all keep on working a lot. And I've seen you working a lot. I mean aap jab yahan pe bol rahe ho ki speakers utha ke hame Bombay leke jana padta tha, I remember Panchvati Express ka ticket hota tha 60-70 rupaye kahin pe, 50-60 or 70 rupees. Yeah. हाँ, और स्पीकर तो ऐसे ऐसे बोल के खराब नहीं होता, वो तो कभी भी फट जाता है. तो बिकॉज आई रिमेम्बर 70, क्योंकि ऑडिशंस के लिए जब मुझे भागना होता था
सबसे पहले यू नो जल्दी से जल्दी बस पकड़ो, स्टेशन जाओ, टिकट काउंटर पे खड़े रहो, क्योंकि टिकट मिले ना मिले वो एक प्रॉब्लम हो जाता था. सो आई कैन अंडरस्टैंड वो स्पीकर लेके भागना. और तब तो आई थिंक यू वर डूइंग इट ऑल अलोन, आप अकेले थे सब करने के लिए, आपके अंडर लोग नहीं थे. आरजे अक्षय पाजी लव यू. हाय अक्षय, बहुत प्यारा बंदा है. जी जी. सो टेल मी समथिंग अबाउट मैं वो सब तो ठीक है. यहाँ जितने लोग है अभी ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं हमको सुन रहे हैं, सबको एक बात बता दूं, मैंने और रोहन ने हमने लाइक कॉलेज शोज से लेके तो इंटरनेशनल शोज सब साथ में किए. और इट इज ऑलवेज फन विद यू रोहन. मतलब मुझे सब याद है, वो आर्किटेक्चर कॉलेज के शोज, वो डेंटल कॉलेज के शोज, रोहन का इतना अमेजिंग कोरियोग्राफी होता था. और मेरा वो उनके फैशन शोज में बीच में म्यूजिक देना एंड बीच में थोड़े कुछ यू नो मसाला डालना. और वो शोज ऐसे थे कि यस उस टाइम पे मतलब हमको नासिक में वो चीजें देखने ही नहीं मिलती थी जो रोहन डेंटल कॉलेज और मैं हम सब टीम मिलके जो करते थे. इट वाज अमेजिंग. राइट ब्रदर, थैंक यू सर. और उससे स्टार्ट करके अब जो हमारा फुकेट थाईलैंड फुकेट का शो था वहां तक जी, वो शो में भी यार क्या मजा आया था. बोलने को तो इट वॉज जस्ट संगीत पार्टी, बट वो संगीत में जो यार जो चाम था ना वो और कहीं नहीं मिला. मतलब याद है रोहन तुमको एक मोमेंट था, इट वॉज वेरी फन गोइंग, लाइक फन पूरा चल रहा था, सब हंस रहे और अचानक तुमने दुल्हन को लाइक कैसे वो तुम्हारे पास आई, कैसे उसके पेरेंट्स से क्या तुम्हारा अटैचमेंट, ये सब वो जब सब तुमने बातें की एक अलग ही माहौल बन गया था. एंड इट वाज अमेजिंग यार, इमोशनल सब हंसते हंसते ऐसे चुप हो गए जैसे पता नहीं क्या हो गया. एंड अगेन यू टर्नड इट टू मुझे वो मोमेंट याद है क्योंकि पहली बार मैंने जीतू को भी देखा कि वहां पे वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे. एंड देन वी केम टू नो के हम लोग आई थिंक एक वन मोमेंट से इमोशनल मोमेंट में जा रहे हैं. एंड देन वी स्टार्टेड ऑल अगेन. I still remember. Jitu, I wanted to ask you this. You know, from a very long time, मैं ये क्योंकि देखा है मैंने आप लोगों को, आपको मॉन्टी को इतना काम करते हुए, इतना इस लेवल पे आते हुए, पर मुझे ये पूछना था पहले जब यू स्टार्टेड ऑफ है, जैसे आपका स्ट्रगल पीरियड, तो उस वक्त तो हमें लैपटॉप्स नहीं थे, यू नो दीज पीडीज वर नॉट देयर. तो आप कैसे how you used to manage? I remember cassettes. Cassettes. कुछ इवेंट्स में तो लिटरली जैसे अब जैसे संगीत होते हैं तो सब लोग अपने पेनड्राइव लेके आ जाते कि इसमें मेरे सॉन्ग से लिस्टेड है वो लगा दो. उस टाइम पे संगीत में दे यूज्ड टू बॉट द कैसेट एंड हमको एक कैसेट प्लेयर साथ में कैरी करना पड़ता था और उनके कैसेट्स लगा के जैसा टूटा फूटा साउंड आउटपुट आ रहा है वो लगा के हमें कुछ भी निकालना ही पड़ता था. एंड थ्री सीडी चेंजेस होते थे, याद है सोनी के, टेंशन के, वो सीडी चेंजेस पे पूरा इतने सारे सीडीज, इतने सारे सीडीज, पूरा लिस्ट सीडीज के पूरे बैग्स भर भर के सीडीज लेके जाते थे. हर सीडी पे हमने क्यूइंग किया होता था कि हाँ 31 सेकंड पे ये आने वाला है, ये पे इस पे ये आने वाला है. एंड मुझे लगे वो भी एक अलग ही ये था. उसके बाद धीरे धीरे मैंने फर्स्ट मेरा एक पाइनियर का प्लेयर लिया था CDJ 3000 समथिंग. तो उससे फिर बढ़ते 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 आज एक अच्छा कंट्रोलर पाइनियर का है मेरे पास, तो यहाँ तक आए. मुझे याद है 3 CD चेंजर्स क्योंकि हम लोग भी कैरी करते थे जो डांस क्लास में, और तब उसके ऊपर क्यूज लिखा करते थे कि कौन सा सॉन्ग कौन सी CD में है और कौन से नंबर पे है. एंड उस वक्त आई थिंक या तो जैसे कहा आपने एंथनी करके एक थे और मॉन्टी तो सदा बाहर है, वो हमेशा से थे. तो दे यूज टू हेल्प अस विद एडिटिंग एंड इट वॉज एडिटिंग ऑफ सॉन्ग्स जो आज हम लोग बहुत ही बैठे बैठे मोबाइल पे करते हैं. इट वॉज रियल गुड टाइम, फन टाइम आई थिंक. या सो जीतू, और एक चीज ये पूछनी थी, कोई ऐसा वक्त
जहां पे आपको लगा हो यू नो इस इतने बड़े स्पैन में कहीं पे आपको ऐसा लगा हो कि काश मैंने ये प्रोफेशन में जंप नहीं किया होता, बिकॉज ये हर एक आई थिंक हम सब ने वो टाइम फेस किया हुआ है कहीं ना कहीं. यस राइट, बहुत 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 फेलियर्स आए, बहुत प्रॉब्लम्स आए, बहुत कुछ सुनने मिला, बट ऐसा कभी नहीं लगा कि यहाँ नहीं आना चाहिए था, बिकॉज यू नो ये वी हैव चूजन इट, हमें जबरदस्ती इसमें डाला नहीं है, हमने चूज करके लिया है. तो पैशन था, पागलपन था, कुछ भी हो जाए बस करना है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है. इतने प्रॉब्लम्स आए, फेस किए, उससे बाहर निकले, फिर प्रॉब्लम्स आए, फिर बाहर निकले, और आज बैठ के आपके सामने. वेरी वेल सेड, या वेरी वेल सेड, और डेफिनेटली तो दिस गोज फॉर एवरीवन जो ऑनलाइन है, जो यंगस्टर्स है, हम भी बहुत यंग है ऐसा नहीं है, पर मैं से बोलो जो हमसे ज्यादा यंग है. याद है ब्रैंडन 18 टिलाट आए, ब्रैंडन 18 टिलाट आए. हाँ जी. Yeah, so this is what G2 sir had to say, that आपने जो profession choose किया है, never repent for that profession, never think in this way के failures हुए. I think that is the best part of life. You know, early life के phase में अगर आपके failures हो जाते हैं, that is always a good thing. And failures is, you know, everything is supposed to come every time, every day. So don't just give it up. Yeah. Recently, I have seen G2 doing one more thing. Yes, G2 जी ने एक बहुत ही नई चीज शुरू की है, या तो मैंने उनको लेट देखा ये शुरू करते हुए. वो ये है कि कुछ ही दिनों में आप G2 को गाना गाते हुए देखेंगे, क्योंकि अगर आप कोई फंक्शन में नहीं हो और आपको वहां से एक आवाज आती है तो बारी बरसी खटन गया सी, अगर कुछ ऐसा आवाज आता है तो आपको पता होना चाहिए कि G2 is there. So G2, tell me something about this. How did this come to your mind? मतलब आप ढोल भी बजा देते हो, मैंने देखा आपको एक फंक्शन में आप ढोल भी बजा रहे थे. You were playing the ढोल, कैसे? ये जो बोलिया सिंगिंग है, ये मैंने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था. मुझे मजा आने लग गया था, लाइक बस क्राउड को पागल देखना है सामने, तो उसके लिए कुछ भी करो, बस उनको देखो नाचते हुए, सबके हाथ ऊपर है, सबके पैर ऊपर नीचे हो रहे हैं, थंपिंग हो रहे हैं, बस ये देखना है. एंड उसके लिए मैंने तब ये चीज यस 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 पगड़ा कर देंगे तो पैर ऊपर हो गई. ठीक है. हाँ जी, दैट वाज ग्रेट. और यहाँ से आई थिंक एक रिक्वेस्ट आई है, प्लीज सिंग अ सॉन्ग G2. सॉन्ग? ओह माय गॉड. एज इन यही हम क्या बोलते हैं इसको, होलिया बोलते हैं, तो ढोलिया बोलिया बोलिया तो नहीं, मैं एक सूफी सॉन्ग सुनाता हूँ. हाँ जी, एज इन प्लीज लिसन, मैं पंजाबी सूफी बहुत सुनता हूँ. मम्टी बाजी प्लीज सुनना. हो खैर साई दी मेहर साई दी, खैर साई दी मेहर साई दी, ओ लोको नींद ना वेखे बिस्तरा. मतलब नींद जब आती है तो इंसान बिस्तर नहीं देखता है. नींद ना वेखे बिस्तरा ते भुख ना वेखे मास, मौत ना वेखे उमर नू, ते इश्क ना वेखे जात, ओ तुसी लंघ जाना होए सानू तंग जाना, तुसी आना नहीं किसे ने सानू लाना नहीं, ओए टंगे रहिंदे इलिया दे नाल परांदे, जिन्ना दे राती यार बिछड़े. ओ थैंक यू वंडरफुल. और G2, नाउ मोंटी हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन, और इसके बाद एक हमारे एक जो रूल बनाया है इस सीरीज का, वो है कि नेक्स्ट 5 मिनट्स वुड बी देयर फॉर एवरीवन टू आस्क क्वेश्चंस.
ओके हाँ भाभी जी ने बहुत ही दिल वाली आंखें दे दी है आपको. थैंक यू. ओके सो मोंटी मोंटी ने पूछा है कि जीटू व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू द न्यू अपकमिंग डीजेस. दैट वाज रियली गुड. हाँ जी हम दोनों काफी इवेंट्स में साथ होते हैं जहाँ सब नए लड़के होते हैं, जो भी नए हैं पुराने जो भी साथ में, हम सब साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं. जब ये सब तब भी मैं सबको यही बोलता हूँ कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है, फन है, पैसा है, सब है इसमें, पॉपुलैरिटी है, एवरीथिंग है. बस एक चीज है, नशा, उससे दूर रहो. क्योंकि मैंने काफी सारे मेरे फ्रेंड्स, काफी कलीग्स देखे जो इसमें आए और नशे में आके बह गए, तो खत्म हो गए अपना. यस यस यस. तो जब ऊपर एक जगह पहुंच जाते हो, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पहुंच ही जाता है आदमी, लेकिन वहां बने रहना वो बहुत मुश्किल है. तो उसके लिए सबसे पहले तो यही बोलूंगा, नशे बिल्कुल मत करो, नशे छोड़ो सब. और उससे सेकंड चीज है, हम्बल रहो, एवरी टाइम हम्बल रहो. हम सर्विस इंडस्ट्री में, हमारा काम है कि हम्बल रहना, प्यार से रहना, जो आ रहा है प्यार से मिलो, बात करो, हंस के बात करो, और खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो. जितना भी ये हमें टाइम मिला है, गोल्डन टाइम, तो इसमें हम जितना हो सके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को और निखार सकते हैं. मैं भी, मेरा जो गोडाउन है वहाँ पे पूरा सेटअप हमेशा लगा रहता है, रोज कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ जाके रोज प्रैक्टिस करता हूँ, रोज नए सेशंस बना रहा हूँ. अब जब हम वापिस आएंगे तो हमारे पास काफी सारे सेशंस रेडी होने चाहिए कि राइट कैसे हम लोगों को और एंटरटेन कर सके. तो ये टाइम मिला है, खूब प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और मजे करो. सुपर सुपर जीटू, सुपर. एंड मैं कहूंगा, जीटू जीटू सर ने ये कहा कि नशे से दूर रहो, मैं कहूंगा कि नशे से दूर नहीं रहना है, नशा आपके प्रोफेशन का, आपके गोल का होना चाहिए. आई थिंक उससे बड़ा नशा और कोई नहीं है. यस राइट राइट. मेरे खून च म्यूजिक का नशा है, मीनू और किसी नशे की लोड़ नहीं है. राइट. So, विजय is saying something. विजय ने, विजय ही है ना, 6232, उन्होंने कहा मैसेज फॉर कोरोना पेशेंट्स. तो ये है कि आप म्यूजिक सुनते रहो, बिकॉज म्यूजिक थेरेपी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज. सेकेंडली, जो लोग यहाँ पे है, जो लोग हम सब फॉर्चुनेटली जिनके पेशेंट्स, जिनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो या जिनको खुद को कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो, तो प्लीज गिव अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड कि आप लोगों को, हमें कुछ, हम लोग सेफ है. एंड प्लीज ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल. और जैसे कहा, इसका इस्तेमाल कंटिन्यूसली करना है, जब भी आप बाहर जाओ प्लीज प्लीज यू नो यू हैव टू वेयर अ मास्क, बिकॉज अगर आप सेफ हो तो कंट्री सेफ है. ओके सो दैट वाज वंडरफुल. एंड अ लॉट ऑफ कोई इससे घबराने की जरूरत नहीं, जितना आप ये बीमारी अंदर से ज्यादा अपने दिमाग में, तो दिमाग से इसका थोड़ा डर निकालो, फ्रेश हवा लो, फ्रेश धूप लो और म्यूजिक सुनो, बातचीत करो, कॉन्फिडेंस. और मेरे सारे सॉरी टू कट यू जीटू, बट मेरे सारे सेशंस यहाँ पे अटेंड कीजिए, एवरी वेनेसडे एंड सैटरडे हम काफी गेस्ट को लाने वाले हैं. मुझे फॉलो कीजिए, मैं काफी आपको वर्कआउट के टिप्स देता हूँ, तो उससे भी आपको हेल्थ बनी रहेगी. राइट राइट राइट. प्रॉपर डाइट लो, वर्कआउट करो, रोहन को फॉलो करो, रोहन के सेशन देखो, हमारे म्यूजिक सुनो, मोंटी पाजी हर फ्राइडे को आते हैं, उनके सेशन जाओ. डेफिनेटली. और कभी टाइम मिले तो मेरा वर्क स्टेशन, मेरा स्टूडियो है, वहां आ जाओ. खूब अच्छा म्यूजिक चलता रहता है, आफ्टरनून में हम जनरली वहां बैठे रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं. Yeah, so everyone who is interested in learning also, I think आप जीटू को directly message कर सकते हैं. You can directly message him, ask him where is he practicing, कैसे practice करना है, क्या करना है. और कोई भी profession में आने से पहले उसकी technical knowledge होना, एक mentor होना, proper guidance लेना बहुत जरूरी है. Please don't think कि हम लोग को सब आता है, क्योंकि हमें भी उतना नहीं आता है जितना काफी लोगों को आता है. So we have to keep learning. Right. Yeah.
जी जी बोलिए 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 जी टू बोलिए ना 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 आप कंटिन्यू आई वांटेड सम पीपल टू आस्क सम क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस एटलीस्ट दो या तीन हम आंसर करेंगे उसके बाद देर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई हैड टू अनाउंस वो इस सेशन के लिए मैंने खास बचा के रखा था ताकि हम लोग ये अनाउंसमेंट करें और ये बहुत ही यूनिक और एक कॉन्सेप्ट में लेके आया हूं तो उसको मुझे यहाँ पे और एक बार अनाउंस करना सो एनी टू क्वेश्चन भाभी जी आपके हम लोग बाद में लाइफ में बुलाने वाले हैं थैंक यू श्वेता दैट इज सो स्वीट ऑफ यू स्वप्निल थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन इन जानवी दत्ता सर आप सब ये वक्त यहाँ पे आए हो हमारे एक लॉयर फ्रेंड है हनी थैंक यू वेरी मच व्हाट इज योर टेक ऑन न्यू जनरेशन रीमिक्स जी टू आपके लिए क्वेश्चन यस 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 ठीक है अभी मोंटी ने और हमने जो टाइम देखा है जहाँ इतना रीमिक्सेस नहीं प्ले होते थे वहाँ प्योर हिप हॉप म्यूजिक प्ले होता था एंड पूरा रॉ म्यूजिक प्ले होता था उससे चेंज होते होते ट्रांस आया हाउस आया और अब जो इलेक्ट्रो आया इलेक्ट्रो में सब बॉलीवुड के पंजाबीज और कमर्शियल्स मिक्सेस आ रहे हैं ठीक है वो भी जो भी मिक्सेस आ रहे हैं वो भी ठीक है लेकिन जितना हो सके मेरा मानना है कि हमारी इंडियन जो सोच है हम लोग पहले लिरिक्स से प्यार करते हैं फिर म्यूजिक से तो मिक्सेस बनाओ सब करो बट डोंट किल द लिरिक्स एंड जो सॉन्ग का एक ओरिजिनलिटी है जो उसकी टेम्पो है जो फील है जॉनर है वो मत खत्म करो उसमें मिक्सेस रिमिक्सेस अच्छे है कोई और रोहन भाई ऐसे ही मतलब एक दो स्पीकर्स से आई स्टार्टेड एंड करते 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 ये नासिक का एक मुंडा नासिक का छोटा जा मुंडा आज आई हैव प्लेड इन 7 कंट्रीज फॉर लाइक मोर देन 50 इंटरनेशनल इवेंट्स तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जीटू जैसे अगर आप किसी ने सुना नहीं है ये तो जीटू हैज परफॉर्म्ड इन अराउंड 7 कंट्रीज आउट ऑफ इंडिया 7 कंट्रीज को वो जाके उन्होंने परफॉर्म किया है उन्होंने कंट्री का ही नहीं बल्कि नासिक का मार्क वहां पे छोड़ा है उसके लिए जोरदार तालियां प्लीज थैंक यू जी मैं जहां भी जाता हूं वहां लोग मुझे पूछते हैं तो मैं कभी नहीं बोलता कि आई एम फ्रॉम मुंबई मैं हमेशा बोलता हूं फ्रॉम नासिक मुंबई के पास एक जगह है नासिक मैं वहां से क्या बात है और बोलना ही है क्योंकि हम बहुत ही प्राउड है नासिक का बनके हम नासिक में काफी लोग आते हैं हमारे लिए तो दैट वाज वंडरफुल जीतू और जो मैंने कहा एक दो अनाउंसमेंट है सो कैन आई मेक द अनाउंसमेंट नाउ एक मिनट आज के सेशन के लिए जी आपको बता दूं मुझसे ज्यादा प्रिपरेशंस मेरी डॉक्टर कर रही थी मेरी बेटी तो मैं प्लीज एक बार सबसे मिलाना चाहता हूँ कम ये मेरी बेटी है हरगुन और ये हरमन हाय हाय कैसे हो बच्चे फाइन फाइन एंड फाइन एज माय वाइफ मनप्रीत हाय भाभी जी कैसे हैं आप तो ये देखिए मैं आपको देख नहीं मुझे काफी देर मुझे दिख नहीं पा रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हुआ है मेरे स्क्रीन पे सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ मुझे मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ जीटू को काफी देर से या मैं किसी को भी बट आई नो दिस इज सच अ लवली ब्यूटीफुल फैमिली गॉड ब्लेस यू गाइस थैंक यू वेरी मच आप दिख रहे हो अच्छा मैं दिख रहा हूँ बस हो गया यार
मैं बहुत बहुत अभी तैयार होके आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ बहुत हो गया। अच्छा तो अब मैं पहला अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, और आपकी भी फैमिली यहाँ पे है, तो इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर फॉर मी टू यू नो कम एंड अनाउंस दिस राइट नाउ। जैसे अच्छा पहले अनाउंसमेंट से पहले ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा मूव ऑन करके कैमरा, यू कैन सी मी राइट। सो आई हैव जस्ट बीन ड्रेस्ड कंप्लीटली, लाइक जूता पहना है, जीन्स टी शर्ट, अच्छा खासा तैयार होके मैं आया हूं। एंड दिस हैज बीन टोल्ड टू मी बाय माय वेरी डियर फ्रेंड दैट इज मोंटी पाजी कि आप इस तरीके से ड्रेस होना। थैंक यू मोंटी पाजी आज के ये स्टाइलिंग के लिए। और अब अनाउंसमेंट ये है फॉर ऑल दी फैशन डिजाइनर्स एंड स्टाइलिस्ट्स, वो ये है कि हमारा ये जो सीरीज है एवरी एपिसोड विल बी टेलीकास्टेड कमिंग लाइव ऑन एवरी सैटरडेज एंड वेनेसडेज 7:45-8 PM के दरमियान हम लोग शुरू करेंगे। तो इफ एनी स्टाइलिस्ट वॉन्ट टू गेट अटैच्ड टू दिस एंटायर सीरीज यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, हम लोग उनको प्रमोट करेंगे। क्योंकि कैसा है जीटू के हमारे यहाँ पे स्टाइलिस्ट कम है, स्टाइलिस्ट कम है और उन लोगों को उतने प्रमोशंस मिलते नहीं है। सो व्हाट आई हैव कम अप विद, दे कैन हेल्प मी स्टाइल माई सेल्फ ड्यूरिंग द सेशन एंड द एंटायर क्रेडिट एंड एंटायर प्रमोशंस विल बी डन फॉर देम। सो मेरे नेक्स्ट शोज में भी अगर उनको हम लोग कहीं पे प्रमोट कर पाएंगे, हमारे नासिक के लोग हैं, हमारे नासिक के स्टाइलिस्ट और फैशन डिजाइनर्स, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। रोहन भाई मेरे फ्रेंड स्कॉर्पियो सोल, उन्होंने बोला प्लीज कमेंट ऑन फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ पीपल आफ्टर लॉकडाउन। अरे बाप रे, एक मिनट कहाँ है मैं उनका भी, प्लीज कमेंट ऑन फाइनेंशियल सिचुएशंस आफ्टर ऑफ पीपल आफ्टर लॉकडाउन। सर एक मिनट, उसके ऊपर मैं कमेंट डेफिनेटली करूंगा। मेरा अभी ये एक और एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे अनाउंसमेंट करना है इज जीटू मोंटी एवरीवन हु इज बीन कनेक्टेड एंड जो बाकी मेरे गेस्ट आने वाले हैं उन सबको भी थैंक यू वेरी मच टू गेट कनेक्टेड। बट देयर इज वन मोर अनाउंसमेंट दैट इज हम सबकी लाइफ की एक स्टोरी होती है, हम सबकी लाइफ की एक स्टोरी होती है। सो आई वुड पर्सनली वॉन्ट आपकी स्टोरी इस लाइव सेशन पे लाने के लिए। सो इफ यू हैव एनी स्टोरी विथ यू, आपकी पर्सनल हो, आपके फ्रेंड की हो या आपके अंकल की हो, प्लीज डायरेक्टली मैसेज मी। मेरे इंस्टा आईडी के ऊपर आप डीएम कर सकते हैं एंड समवेयर ऑर द अदर वी विल गेट योर स्टोरी ऑन आवर बोर्ड। So there are two announcements. One is your story should come in front of the public. What are you doing? कैसे किया आपने, क्या कर रहे हो? और दूसरा सारे fashion designers and stylists who can just come and style me for my session, I will promote you to the best of what I can do in Nasik. And this is only for the people of Nasik because local अब होना चाहिए vocal. So I want to really work for my people. To have live DJ sessions so that you can enjoy your music at the dance floor in our houses. यहाँ पे कवलीन जी है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि डीजे सेशंस होने चाहिए, लाइव डीजे सेशंस होने चाहिए सो वो एंजॉय कर सके। श्योर आई विल डेफिनेटली ट्राई, पक्का, आई प्रॉमिस, मैं कोशिश करूंगा पूरा। और जब तक वो ट्राई करते हैं, हमारे दूसरे डीजे हैं, उनके भी सेशंस चलते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था किसी का फाइनेंशियल कंडीशंस आफ्टर लॉकडाउन, अब मैं उसके ऊपर क्या कमेंट करूं, सारे फाइनेंसेस तो ब्लॉक हो चुके हैं। बट आई थिंक फाइनेंशियल कंडीशंस तभी अच्छे हो सकते हैं जब हम अपने लोकल लोगों के साथ काम करें, हम उनके लिए बार्गेन ना करें, बिकॉज एवरी वन इज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्रंच, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो अगर कोई आर्टिस्ट आपके पास आता है, अगर कोई छोटा मोटा आपका काम करना है, कोई भी आपके पास आता है, सो प्लीज ट्राई कि आप उसको ज्यादा बार्गेन ना करें, बिकॉज दिस बार्गेनिंग हैज पुल्ड ऑफ एवरीवन। प्लीज डोंट बार्गेन उस लेवल पे कि वो ना बोल दे बंदा, बिकॉज अब आई थिंक हम सबकी होप हम सभी है,
आई थिंक माई होप इज जीटू, माई होप इज मोंटी, मोंटी का होप मैं हूँ, जीटू का होप मैं हूँ. हम सब नासिक के लोग ही सिटी के अंदर अगर काम करें तो डेट वुड बी बेटर. और हमारे पास सब कुछ है जो आप चाहते हैं. एंड सिमिलरली वी हेल्प यू एंड यू हेल्प अस इज द ओनली सोल्यूशन एंड वी कैन गेट ऑन विद द इकोनॉमी अगेन. और इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के लोगों को बुलाना नहीं है. पहले हम लोग काम कर ले फिर बाहर के लोगों को बुलाएंगे. राइट वेल सेड. Yes, local and local बनेगा वोकल, डेफिनेटली वोकल बनेगा लोकल, जो भी आप वाइस वर्सा करना चाहो. बट प्लीज ट्राई टू गिव वर्क टू आर सिटी पीपल फर्स्ट, प्लीज डू दैट. बिकॉज जब हमारे पीएम साहब ने यहाँ पे कुछ नहीं दिया और बाहर दिया तो हम सबने उनको बहुत बोला है. सो सिमिलरली प्लीज गिव वर्क टू एवरी वेंडर, एवरी बिजनेसमैन ऑफ आर सिटी, उनको काम दो, बाहर मत जाओ. वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ मेनी थिंग्स. Friends insecure your life with Rohan Mehta as reason. I am an insurance personal too. Jin jin logo ko insure karni hai, please directly message me. Thank you Monty, thank you very much. Yeah, any more questions for Jitu? Anyone who wants to ask anything? Aur Ron, Nasik mein hamare paas kisi bhi tarike ke kisi bhi talent ki koi bhi kami nahi hai. We have got everything, har cheez mein, events mein bolo, डीजेइंग में बोलो, एंकरिंग में बोलो, म्यूजिक में बोलो, सिंगिंग में बोलो, डेकोरेशंस में बोलो, एवरीथिंग. इतने आर्टिस्ट है और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, तो बाहर जाना ही क्यों? नहीं, मैं सर बोलूंगा, कभी कभार क्या हो जाता है कि पीपल नीड सेलिब्रिटीज फॉर देयर शोज एंड इवेंट्स. जो मैं शोज और इवेंट्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बट मैं चाहूंगा कि हमारे नासिक में ही हमारे लोकल सेलिब्रिटीज बहुत है जिन्होंने बहुत मेहनत करके, मशक्कत करके एक मकाम हासिल किया है, नासिक का नाम एक जगह पे लेके गए हैं. सो व्हाई नॉट वी कम एंड प्रमोट देम? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर अदर देन पंजाबी जीटू? कौन सा डिफरेंट जॉनर है जो आप प्ले करने में मजा आता है? हिप हॉप, जो मुझे पंजाबी से भी ज्यादा पसंद है. हिप हॉप? यस, पंजाबी से भी ज्यादा हिप हॉप. सो दैट इज फैंटास्टिक. जीटू पाजी को पसंद है पंजाबी और हिप हॉप. और थैंक यू जीटू फॉर सच अ लवली सेशन. आई होप सभी बच्चे जो है, जो सुन रहे हैं, जो डीजे बनना चाहते हैं या कोई भी प्रोफेशन में वो लोग हैं, आई थिंक दे टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. 20 साल लगे हैं आपको इस मकाम पे आने के लिए. आई हैव सीन योर स्ट्रगल. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. प्लीज कीप कनेक्टेड. वी आर गेटिंग इन मोर स्टोरीज. नेक्स्ट सैटरडे को एक बहुत ही डिफरेंट गेस्ट आ रहे हैं हमारे पास. एंड जीटू, आई वुड रिक्वेस्ट आप भी रहो, बिकॉज आई एम गेटिंग एन इन पर्सन फ्रॉम द मीडिया. आपने जो स्टार्ट किया है और ये कंटिन्यू होते रहना चाहिए. तो जो भी लोग आज ऑनलाइन है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जो भी सेशन है उनमें प्लीज ऐसे ही प्यार दो, ऐसे ही आओ, ऐसे ही सपोर्ट करो, ताकि जितने भी जो भी लोग है सब आके, लाइक जितने भी लोग हमारे नासिक के आ रहे हैं उनको इतने ही प्यार मिले और इतने ही सपोर्ट मिले और ये चीज आगे बढ़ती रहे और चलती रहे. हाय आदित्य, थैंक यू वेरी मच. आदित्य जो एंकर है, बहुत ही बेहतरीन एंकर है वो भी, और वो हम दोनों को हाय बोल रहे हैं. थैंक यू आदित्य फॉर जॉइनिंग. हाय आदित्य, हाय. सो बस सारे जो गेस्ट हमारे यहाँ पे आने वाले, आई हैव सीन टू इट के वो हमारे ही सिटी के हो. जीटू, हम सब ने उनको देखा है ग्रो होते हुए और वो सब हमें बताएंगे किस तरीके से हमें ग्रो होना है, किस तरीके से साथ में रहना है. सो थैंक यू वेरी मच. रॉम, एक मिनट. जितने भी मेरे ब्रदर्स है, जो मेरे कलीग्स है, जो हमारे प्रोफेशन में, किसी को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, टेक्निकल कुछ भी हो, कुछ भी पूछना है, एनीथिंग, यू आर ऑलवेज वेलकम. कभी भी मुझे कॉल करो. आई एम 24/7 हमेशा आपके साथ हूँ और कोई भी प्रॉब्लम हो हम साथ में मिलकर उसे फेस करेंगे. और जितने भी लोग अभी कोरोना से लड़ रहे हैं उनके लिए सबसे वाहेगुरु से अरदास है कि सब अपने अपने घर तंदुरुस्त होके जाए और जितने लोग हैं
वो लोग प्लीज अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखे और मास्क हमेशा लगा के रखे जब भी बाहर जाए, अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल ना जाए। टेक केयर ऑफ जी जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मोंटी, थैंक यू आदित्य, थैंक यू विजय, थैंक यू श्वेता, एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। प्लीज टेक केयर, प्लीज बी हेल्दी। नेक्स्ट सैटरडे दैट इज फर्स्ट ऑफ मे वी आर मीटिंग अगेन विद अ डिफरेंट एंड अ कंप्लीट डिफरेंट इंडिविजुअल गेस्ट, अ वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर एवरीवन। स्टे ट्यून्ड विद इट्स माय स्टोरी, व्हाट्स योर्स। थैंक यू ऑलरेडी, सबनु प्यार भरी सत श्री अकाल, टेक केयर, गुड नाइट, सत श्री अकाल, थैंक यू।